गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं घनश्याम टोडिया, गुरुग्राम टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज चक पांपियालम श्री विजयनगर के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम जेंडर, विद्यालय एवं समाज, इसके अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह है मीना मंच एवं प्रतियोगिता दर। मीना मंच एवं नंबर दो पर है प्रतियोगिता दर, इस पर जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले है नंबर एक मीना मंच। तो मीना मंच योजना का श्रेय उत्तर प्रदेश राज्य परियोजना परिषद को जाता है। बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने और बालिकाओं में शिक्षा के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के लिए इस योजना का प्रारंभ किया गया है। यूनिसेफ द्वारा निर्मित शैक्षिक कार्यक्रम की 12 कैसेटों में मीना नामक बालिका की प्रमुख भूमिका को इसके अंतर्गत प्रदर्शित किया गया है। अर्थात मीना इस संपूर्ण कार्यक्रम की नायिका है। इस कार्यक्रम में यह प्रदर्शित किया गया है कि मीना को शिक्षा प्राप्त करने में अनेक कठिनाइयों और बाधाओं का सामना करना पड़ा था, फिर भी उसने विद्यालय में प्रवेश लिया और शिक्षा प्राप्त करने में सफलता हासिल की। इसी नाम के आधार पर ही मीना मंच नामक योजना का गठन और संचालन किया जा रहा है। वर्तमान समय में राज्य के प्रत्येक जिले में मीना मंच योजना संचालित की जा रही है। मीना मंच के द्वारा वर्तमान समय में बालिका शिक्षा के क्षेत्र में जागरूकता एवं चेतना में वृद्धि हुई है तथा इससे जो बालिकाएं हैं शिक्षा के प्रति उनकी रुचि बढ़ने लगी है तथा वे शिक्षा के महत्व को समझने लगी है। इसके साथ साथ ही जो अभिभावक हैं उनमें भी अपनी बालिकाओं को पढ़ाने के प्रति रुचि और चेतना जागृत हुई है तथा अब वे बालिकाओं को शिक्षा प्रदान करने में काफ़ी रुचि दिखाने लगे हैं। इससे बालिका शिक्षा को बढ़ावा मिलने लगा है। तो आइए अब देखते हैं मीना मंच के क्या उद्देश्य हैं जिसके आधार पर इस योजना को संचालित किया गया है। मीना मंच के उद्देश्य है, पहला उद्देश्य है कि बालिकाओं को अपने विचार प्रकट करने का अवसर मिलता है। अर्थात बालिकाओं को किन किन समस्याओं कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है इस बारे में जो बालिकाएं हैं अपने विचारों को खुलकर प्रकट कर सकती हैं मीना मंच योजना के माध्यम से। दूसरा है बालिकाओं में नेतृत्व एवं सहयोग की भावना का विकास, मीना मंच का दूसरा उद्देश्य है बालिकाओं में नेतृत्व एवं सहयोग की भावना का विकास किया जा रहा है। तीसरा है जिले की समस्त बालिकाओं को शिक्षा की विकास धारा से संबद्ध करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट है पढ़ना, अर्थात बालिकाओं में शिक्षा का
बालिकाओं को अपने अधिकारों का ज्ञान करवाना, बाल विवाह को रोकना ताकि बालिकाएं शिक्षा प्राप्त कर पाए और छोटी आयु में उनका विवाह न हो पाए, बाल विवाह को रोकना और छात्राओं की अंतर्निहित शक्तियों का विकास करना मीना मंच का उद्देश्य रहा है। तो आइए अब हम चलते हैं मीना मंच के उद्देश्यों के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसा कि पहला उद्देश्य बालिकाओं को अपने विचार प्रकट करने का अवसर इस योजना के माध्यम से मिलता है। तो बालिकाओं को अपने विचार प्रकट करने के लिए एक मंच की आवश्यकता का अनुभव किया जा रहा है, तो मीना मंच के माध्यम से ही बालिकाओं को अपने विचारों को व्यक्त करने, अपनी समस्याओं और कठिनाइयों के बारे में जानकारी देने के लिए एक मंच आज उन्हें प्राप्त हुआ है, जो कि मीना मंच के गठन का एक प्रमुख उद्देश्य भी माना गया है। इस मंच के माध्यम से जो बालिकाएं हैं अपनी समस्याओं को मंच के माध्यम से रख सकती हैं कि उन्हें शिक्षा प्राप्त करने में किन किन कठिनाइयों और बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जो इसके अंतर्गत बालिकाओं की समस्या किसी भी प्रकार की हो सकती है, चाहे वो अभिभावकों की आर्थिक स्थिति को लेकर हो, चाहे विद्यालय में महिला अध्यापकों की कमी हो, या फिर विद्यालय में बालिका शौचालयों का अभाव हो। तो इसके अंतर्गत जो भी समस्याएं बालिकाओं को शिक्षा प्राप्त करने में होती हैं उनके बारे में जो बालिकाएं हैं अपने विचार इस मंच के माध्यम से रख सकती हैं कि उन्हें किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और वह शिक्षा प्राप्त कर क्यों नहीं कर पाती है और अभिभावक उन्हें स्कूल भेजना क्यों नहीं चाहते। तो इस मंच के माध्यम से जो बालिकाएं हैं खुलकर अपने विचार रख सकती हैं और इस आधार पर बालिकाओं की जो समस्याएं हैं उनको दूर करने के उपाय किए जाते हैं। नंबर दूसरा है बालिकाओं में नेतृत्व एवं सहयोग की भावना का विकास। तो बालिकाओं में नेतृत्व एवं एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना का विकास करना इसका दूसरा उद्देश्य रहा है। इसके अंतर्गत बालिकाएं एक दूसरे की समस्याओं को समझेगी तथा उनके समाधान प्रस्तुत करेंगी। इस प्रकार में अर्थात बालिकाओं में प्रेम एवं सहयोग की भावना का विकास होता है तथा शिक्षा के प्रति जो रुचि है बालिकाओं में उत्पन्न होती है। तीसरा है जिले की समस्त बालिकाओं को शिक्षा की विकास धारा से संबद्ध करना इसका उद्देश्य रहा है। तो मीना मंच का तीसरा प्रमुख उद्देश्य है इस मंच के माध्यम से जो है जिले की समस्त बालिकाओं को शिक्षा की विकास धारा से संबद्ध करना है। अर्थात इस मंच के माध्यम से बालिकाओं को शिक्षा के लिए प्रेरित किया जाता है ताकि वह विद्यालय में प्रवेश ले पाए और शिक्षा प्राप्त कर अपने पैरों पर खड़ा हो पाए। चार नंबर है पढ़ना रचनात्मक लेखन एवं चिंतन की आदत का विकास। पढ़ना रचनात्मक लेखन एवं चिंतन की आदत का विकास मीना मंच का एक उद्देश्य है। तो इसमें छात्राओं को तर्कपूर्ण चिंतन एवं लेखन के लिए विषय प्रदान किए जाते हैं, जिसमें छात्राओं को लेखन कौशल एवं
विचारों को प्रदर्शित करने का जो अवसर है प्राप्त होता है। पांच नंबर है, बालिकाओं में विभिन्न जीवन कोशों का विकास। बालिकाओं में विभिन्न जीवन कोशों का विकास करना मीना मंच का उद्देश्य रहा है, जिससे कि जीवन में उनको किसी भी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न न हो पाए तथा व्यवहारिक समस्याओं के समाधान की जो योग्यता है वह उनमें विकसित की जा सके। नेक्स्ट है, बालिकाओं एवं महिलाओं को अपने अधिकारों के बारे में जानकारी प्रदान करना मीना मंच का उद्देश्य रहा है। तो बालिकाओं एवं महिलाओं के अधिकारों का ज्ञान करवाना, इसके लिए महिला को सक्षम बनाने हेतु अनेकों अनेक प्रयास इस मंच के माध्यम से किए जाते हैं तथा इससे संबंधित कार्यक्रमों को प्रस्तुत भी किया जाता है, ताकि बालिकाओं और महिलाओं में शिक्षा के प्रति रुचि उत्पन्न हो पाए। नेक्स्ट है, बाल विवाह रोकना मीना मंच का एक उद्देश्य रहा है। तो मीना मंच के माध्यम से ही बालिकाओं को विवाह की आयु का ज्ञान होने पर बाल विवाह में बालिकाओं की स्वीकृति नहीं होगी तथा बाल विवाह रोके जा सकेंगे। मीना मंच के माध्यम से बालिकाओं को विवाह की आयु का ज्ञान होने पर बाल विवाह में बालिकाओं की स्वीकृति नहीं होगी तथा बाल विवाह रोके जा सकेंगे। तो मीना मंच का उद्देश्य बाल विवाह पर रोक लगाना है, ताकि जो बालिकाएं हैं विद्यालय जाकर शिक्षा प्राप्त कर पाएं तथा व्यस्त होने पर भी उन्हें विवाह करने की अनुमति प्रदान की जाए। तो शिक्षा के विकास होने पर बालिकाओं को शिक्षा के प्रति रुचि उत्पन्न होगी तथा इससे वह बाल विवाह को स्वीकार नहीं करेगी और इससे कि बाल विवाह पर रोक लगना आसान रहेगा। नेक्स्ट है, मीना मंच के माध्यम से ही छात्राओं की अंतर्निहित शक्तियों का विकास किया जा सकेगा। इसके लिए उनकी योग्यताओं एवं क्षमताओं का ज्ञान करके उन्हें विकसित करने का प्रयास किया जा सकता है। तो इस प्रकार मीना मंच के माध्यम से छात्राओं की अंतर्निहित शक्ति तथा मानसिक शक्तियों का विकास आसानी से किया जा सकता है। तो आज का जो पहली पंक्ति थी मीना मंच, वो यही समाप्त होती है। दो नंबर पर है प्रतियोगिता दर। अब हम दूसरी टिप्पणी प्रतियोगिता दर पर जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रतियोगिता दर, इसके अंतर्गत बालकों की भांति बालिकाओं के लिए भी प्रतियोगिता के रूप में खेल कूदों का पृथक रूप में आयोजन करने का एक पृथक ही महत्व होता है। जिस प्रकार छात्रों के लिए खेल कूद के कार्यक्रम अलग प्रकार से होते हैं, उसी प्रकार छात्राओं के लिए भी खेल कूद के कार्यक्रम विभिन्न प्रकार से आयोजित किए जाते हैं। आज की महिलाएं इतनी उन्नति कर चुकी है कि अंतरंग एवं बाह्य शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम पृथक आयोजित बालिकाओं के लिए किए जा सकते हैं और इस संदर्भ में विशिष्ट विवरण जो है निम्न प्रकार से आयोजित हो सकते हैं। इस क्षेत्र से संबंधित अनेक नेताओं के अनुसार अंतरंग एवं बाह्य खेलकूद कार्यक्रम अंतर महाविद्यालय खेलकूदों के विरुद्ध महिलाओं के लिए पसंद कर उन पर अत्यधिक बल
दिया जाता है। ये इस ओर अंकित करता है कि निश्चित प्रकार की जैविक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक विशेषताएं जो कि महिलाओं अथवा बालिकाओं के लिए ज्ञापित है, वे इस प्रकार के संगठन एवं कार्यक्रम के अनुकूलित हो जाती है। शारीरिक शिक्षा एवं मनोरंजन विभाग इस ओर इंगित करता है कि जब खेल कूद उचित ढंग से आयोजित किए जाते हैं, वे वांछित परिणामों में योगदान करते हैं। इसमें अनेक शारीरिक एवं मानसिक सामाजिक विशेषताएं परिलक्षित होती हैं। कार्यक्रम विस्तृत किस्म की टीम एवं व्यक्तिगत खेलकूद कार्यक्रम और अन्य क्रियाकलापों को संगठित किया जाना चाहिए, जो कि स्वयं बालिकाएं मिले जुले समूहों में स्वयं खेल सकती हैं। बालिकाएं स्वयं इस कार्यक्रम की अगुवाई करके कार्यक्रम का नेतृत्व भी संभाल सकती हैं। इसलिए इस प्रकार की प्रक्रिया पर अधिक बल दिया जाना चाहिए। इस प्रकार महिला नेतृत्व करने वाली महिलाओं की कार्यक्रम संपन्न करने के लिए अत्यंत आवश्यकता होती है। यद्यपि पुरुष भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य संपन्न करने में सहयोग प्रदान कर सकते हैं और प्रत्येक क्रिया विधि में सहायता के अवसर प्रदान भी महिलाओं को किए जा सकते हैं। महिलाएं अपनी क्रियाओं का नेतृत्व स्वयं भी कर सकती है। प्रत्येक सुरक्षा कार्य से हानिकारक अभ्यासों से बालिकाओं की रक्षा भी की जा सकती है। इस प्रकार प्रतियोगिता दर कॉम्पिटिशन रेट बालकों की भांति बालिकाओं के लिए भी प्रतियोगिता के रूप में खेल कूदों का पृथक रूप में आयोजन करने की एक प्रक्रिया है। तो आज के जो हमारा प्रकरण था मीना मंच तथा एक टिप्पणी प्रतियोगिता दर, जो कि यहीं समाप्त होती है। कल हम फिर से हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। हैप्पी न्यू ईयर ऑल ऑफ यू। धन्यवाद।